पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर दानवों के राजा हिरण्याक्ष का अंत किया था, जिस वजह से हिरण्याक्ष के भाई राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घृणा करते थे। राजा हिरण्यकश्यप ने कठिन तप करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप का अंत न किसी देव, मनुष्य अथवा प्राणी के हाथों, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से किया जा सकता था। इस वरदान के कारण वह राजा घमंडी हो गया था और अपने आप को अमर समझने लगा। उसने अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की आराधना करने से मना किया और अपनी आराधना करने का आदेश दिया। लेकिन राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। अपने पिता के मना करने के बावजूद प्रह्लाद ने भगवान विष्णु की आराधना करना जारी रखा। इस बात से क्रोधित हुए राजा हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रह्लाद की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रह्लाद को कभी खाई में गिराया, कभी विषैले सर्पों के कुएं में डाल दिया, तो कभी उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया। जब सारी योजनाएं नाकाम हुई, राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। तब राजा ने प्रह्लाद को होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। प्रह्लाद ने उस आदेश का स्वीकार किया और वह पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए अग्नि में बैठ गया। होलिका आग की लपटों में जल गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद अग्नि के प्रभाव से बच गया। ऐसी मान्यता है कि होलिका ने अपने अंतिम क्षणों में प्रह्लाद से क्षमा मांगी। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और यह कहानी भक्त की अपने भगवान को समर्पित आस्था को दर्शाती है।